उस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से मिल रही है। प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, मजदूरों ने लगाया आरोप, कहा कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। मौके पर भारी पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रवासी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां प्रवासी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें अपने गृह राज्य भेजने के लिए लगातार अनुमति की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सहमति उनको प्रदान नहीं की गई है, जिसके चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के, जहां प्रवासी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भारी भीड़ एकत्रित हो रखी है। पुलिस बल भी लगातार प्रयास कर रही है प्रवासी मजदूरों को रोकने का। और जब प्रवासी मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इस दौरान कोई सुनने वाला भी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये सीधी तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। और इसी पर ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाहिद, प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन जारी है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की इस महामारी जिस तरह से विश्वभर में फैल रही है, और इस दौरान प्रवासी मजदूर रोड पर एकत्रित हो रखे हैं। बिल्कुल रितु, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार प्रवासी मजदूर गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से कूच करके उत्तर प्रदेश की सीमा को होते हुए कोई बिहार जा रहा है, कोई गोरखपुर जा रहा है, कोई बस्ती जा रहा है। लगातार जब प्रवासी मजदूर जा रहे हैं तो कोरोना के केस भी ज्यादा आ रहे हैं। लगातार प्रवासी मजदूर कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ई रिक्शे से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई ट्रक से जा रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का साफ ये कहना है जो प्रवासी मजदूर आए उत्तर प्रदेश की सरकारी बस से जाए, उनका थर्मोमीटर से जांच हो, स्कैनर से जांच हो, और उनको खाना दिया जाए और बस से उनके घर पहुंचाया जाए और 14 दिन क्वारंटाइन भी स्कूलों में, विश्वविद्यालय में किया जाए, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। जिसको देखते हुए प्रवासी मजदूर आज लगातार हंगामा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे। उनका साफ कहना है कि मजदूरों का, श्रमिकों का कोई हालचाल जानने वाला नहीं है, नेता सिर्फ वोट लेते हैं। इस समय सबसे ज्यादा परेशान उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे दुनिया, पूरे इंडिया के मजदूर परेशान हैं और उनको अपने घर तक पहुंचना है, क्योंकि ना महाराष्ट्र में उनके लिए काम बचा है, ना दिल्ली में काम बचा है। जो कंपनियों में वो काम करते थे, वहां की कंपनी और वहां के जो मालिक है उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, और जो किराए के घर पे रहते थे उनसे किराया वसूला जा रहा है। इसके लिए वो अपने घर को कूच कर रहे हैं। और लगातार आज 10 दिन से मजदूर ट्रक के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से, ई रिक्शे के माध्यम से, साइकिल, और जो जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है, कोई पैदल आ रहे, तमाम तस्वीरें आपने टीएनएन न्यूज ने दिखाई है और हम लोग ने देखी है। आज उसको देखते उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है जो प्रवासी मजदूर आए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो परिवहन सेवा है उसके माध्यम से अपने घर जाए, वो अपनी जांच कराए और 14 दिन क्वारंटाइन हो, जब ही अपने गांव और शहर जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोरोना महामारी के जो पेशेंट है दिन पे दिन बढ़ रहे हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या दिन पे दिन ज्यादा होती जाएगी। बिल्कुल शाहिद जी, जिस तरह से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इस दौरान इस तरह की तस्वीर सामने आना कोरोना के मरीजों में और इजाफा जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसे में जबकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना बेहद अनिवार्य हो जाता है, प्रशासन कहाँ है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह सचेत है। प्रशासन ने जितने भी उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं सील कर दी है। कोई भी आदमी, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो और चाहे लखनऊ में लोकल काम करता हो, अगर वो बाहर जाएगा तो प्रशासन उसकी पूरी जांच कर रही है, उसका टेम्परेचर नाप रही है। टेम्परेचर नापने के बाद अगर प्रवासी मजदूर कोई महाराष्ट्र से आया, दिल्ली से आया, तो उनके घर के एड्रेस दिए जा रहे हैं।
उनके आधार कार्ड के आधार पे उत्तर प्रदेश परिवहन बस सेवा के आधार पे उनको उनके बस जान उनके गंतव्य स्थान को पहुंचने का पूरा इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। खाने पीने का इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है जो ये लोकल साधन से जो युवा आ रहे हैं और कोई जांच उनकी नहीं हो रही है और अपने गाँव जा रहे हैं, गाँव में जाके खरीदारी कर रहे हैं, कोई ग्रीन जोन है वो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑरेंज जोन रेड जोन में लगातार कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको देखते उत्तर प्रदेश सरकार सचेत है, ऐसे मजदूरों की स्कैनिंग करेगी, उसकी जांच करेगी, उसके बाद वो क्वारंटाइन करेगी, तब उनके घर पे पहुंचने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जिसकी शुरुआत उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी दिनों से कर दी है। और जितनी भी ट्रेनें चारबाग रेलवे स्टेशन पे आती है तो जितने भी मजदूर प्रवासी मजदूर गुजरात के आते हैं उनकी स्कैनिंग होती है, उनकी जाँच होती है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है, जब उनको घर को भेजा जाता है वही प्रोसीजर अब उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर ट्रक से डीसीएम से और मालगाड़ी से जिससे भी आ रहे हैं उनका वही प्रक्रिया की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा जब उनके गांव। बिल्कुल, यूपी सरकार की तरफ से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं और मजदूरों के प्रति सभी के संवेदनाएं हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर आना कहीं ना कहीं मजदूरों की भी लापरवाही दर्शाता है प्रशासन के साथ। फिलहाल शाहिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे और तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं जहां प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन जारी है, जबकि सोशल डिस्टेंस कोरोना महामारी में बेहद अनिवार्य चीज बोली गई है, उल्लंघन नहीं करने की बात कही गई है, उस दौरान इस तरह की तस्वीर आना दोनों की लापरवाही दर्शाता है।